हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं देखिए कैसे मॉर्निंग में निकलता हूँ। देखिए टेम्परेचर, देखिए 8 डिग्री टेम्परेचर है और रिफ्रेश 7-8 में हुआ है और 7-17 हो रहा है। सोचिए 8 डिग्री टेम्परेचर में भी मैं रुका नहीं हूँ। और डेट भी देख सकते हैं आप, देखिए डेट, मैं इस पर ठंडा से काम नहीं कर रहा है, डेट भी दिखा देता हूँ। देखिए आज 8/1/2023 है ये। तो इस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, तो चलिए मैं अपडेट दूंगा पूरा, आपको लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो अपडेट है ये बिहार शरीफ भराव पर का है। इसके 600 से 150 मीटर आगे सरकारी बस स्टैंड है और मैं आपको लेकर चलूँगा सीधा एकदम सोगड़ा कॉलेज तक और पूरा अपडेट दूंगा, कॉस्ट बताऊँगा, लेंथ बताऊँगा, हर वो चीज़ बताऊँगा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वैसे मैं बता दूँ आपको कि ये एक पियर और ये दूसरे पियर के बीच में 25 मीटर का डिस्टेंस है, कहीं पे 28 कहीं पे 25, इस तरीके से। जो सबसे लंबा लेंथ होगा वो 32 मीटर का है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको एक पियर से दूसरे पियर के बीच जो कि भराव पर है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पूरा वर्क अपडेट। तो ये पियर का हाइट देख रहे हैं कि धीरे धीरे उठ रहा है, मतलब इस साइड वो चढ़ेगा और ये इस साइड से आ रहा है जो कि आप देख रहे हैं, आगे यहाँ जा करके डाउन हो जाएगा और सोगड़ा कॉलेज से भी 100-150 मीटर के डिस्टेंस पर ही रहेगा। ऐसा कहा जाता था पहले कि यहाँ पर पियर का भी जगह नहीं है, लेकिन देखिए कि पियर भी अब लग चुका है, फिर बाद में इसका पियर कब भी बनेगा, गटर भी लॉन्च होगा, फिर गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ियाँ। और पैसे मैं बता दूं आपको कि ये पुल जो बन रहा है भराव पे, तो इसका बहुत पुराना प्लानिंग है, लेकिन अभी जो है इसकी चौड़ाई जो होगी अप्रोक्स 25 से 26 फीट की होगी ऊपर का जो होगा। और बहुत सस्ता ये पियर जो है कि ये फ्लाईओवर जो है ये बन रहा है, मतलब 72 करोड़ ही, ऐसा सरकारी रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूँ। और लेंथ की बात करूँ तो 1.5 किलोमीटर का लेंथ है इसकी, कम बेस 100 मीटर हो सकता है आगे पीछे, ये नहीं कह रहा हूँ। और इस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, देख रहे हैं आप बेहतर कि पियर का काम, मतलब पियर कैप तक का किया जा चुका है। पियर कैप जब बनेगा फ्यूचर में तो अभी मैं अपडेट दूंगा इसका, लास्ट तक पूरी, मतलब जब तक ये कम्प्लीट ना हो जाए अपडेट देता रहूँगा। हाँ, इसके बनने से तो अगल बगल के लोगों को फ़ायदा भी होगा, क्षति भी होगी, क्योंकि फ्यूचर में ये कन्फर्म है कि सब जो अगल बगल दुकानें, बहुत सारे लोगों का दुकानें घरें तोड़ी जाएंगी। अब पुल का जो भी बनने का टाइमिंग है वो 10 महीने का टाइमिंग है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसे तो लगता नहीं कि 10 महीने में कंप्लीट होगा, लेकिन अगर 2 साल भी ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग 10 से 15 सालों से इसके बारे में सुना जा रहा है, लेकिन काम लग गया तो ये अब कन्फर्म है कि ये कम्प्लीट होगा। चलिए मैं पूरा आपको सोगड़ा कॉलेज तक दिखाऊँगा इसका अपडेट। तो ये लास्ट अभी प्रेजेंट में पियर है, जैसे जैसे इसका काम चलता रहेगा मैं दिखाऊंगा। और यहीं पे कहीं पे इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा पियर, एक पियर से दूसरे बीच की पियर के बीच की डिस्टेंस होगी। चलिए अब जहाँ काम चलेगा मैं वहाँ दिखाऊंगा। इस साइड आप रामचंद्रपुर चले जाइएगा बस स्टैंड, या सीधा मेन हाईवे रजौली बख्तियारपुर के हाईवे पर, ऐसे इस रोड को रांची रोड भी कहते हैं, और सामने एकदम सीधे चले जाइएगा तो चोरा बगीचा चले जाइएगा। तो चलिए मैं आपको और आगे चलता हूँ, सोगड़ा कॉलेज से आगे निकालूंगा। प्रेजेंट में तो पियर का काम वहीं तक जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो क्षति होने वाली है सबसे ज़्यादा यहीं पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, लेकिन किस तरीके से वो बाद में होगा फ्यूचर में ही पता चलेगा। चलिए दिखाता हूँ और आगे। वैसे बिहार शरीफ में बात करूँ तो यहाँ पे बस स्टैंड तो तीन जो है वो एक खंडक पे है, एक रामचंद्रपुर में एक सरकारी बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ से आपको जाने के लिए हर जगह के लिए बहुत सारी बसें मिल जाएंगी ये भरावपड़ वाले रोड में। अगर आप बाहर से कहीं देख रहे हैं, जो बिहार से देख रहे हैं तो उनको मालूम है, तो इस तरीके से आप यहाँ से हर तरह के लिए गाड़ी ले सकते हैं। देखिए जैसे कि जो देख रहे हैं, ज़्यादातर आपको झारखंड और बंगाल के लिए गाड़ियाँ मिलेंगी, और इस साइड जो है कि भराव पे है, और मैं आपको इस साइड लेकर चल रहा हूँ सोगड़ा कॉलेज। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद देखिए कि यहाँ क्रेन आके लगा हुआ है, देखिए कितनी ऊँची क्रेन है, और इस साइड तो वायर वगैरह है इसलिए शायद नहीं काम हो रहा होगा, लेकिन इस साइड रिग मशीन भी आई हुई है और काम चल रहा है सुबह से ही। और मैं पहले भी बताया कि 3 बस स्टैंड के अलावा भी बसेस बहुत ज़्यादा यहाँ लगी होती है, ये भराव पर से आगे बढ़ेगा सोगड़ा कॉलेज के साइड, तो यहाँ पे भी देखिए कि बस बहुत सारा लगा हुआ है, दूर दूर के लिए, टाटा के लिए, कोलकाता के लिए, और भी जगहों के लिए, एक मैं खास जगह बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी काम लगा हुआ है, खुदाई वगैरह चल रही है, देखिए रिग मशीन का इस तरीके से, देखिए कितनी इस तरीके से इसे पियर जो है कि खाना जाता है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि पाइप वगैरह लगा हुआ है पानी निकालने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, काम चल रही है। अभी डिवाइडर भी बीच का जो है कि तोड़ा गया, चलिए दिखाता हूँ और आगे, जैसे जैसे हमें काम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो इस तरीके से आप बेहतर देख सकते हैं कि मतलब मेन काम जो है कि सोगड़ा कॉलेज साइड हो रहा है, और उस साइड सरकारी बस स्टैंड साइड, और ये जो रूट देख रहे हैं आप तो यही जो है कि सरकारी बस स्टैंड से होते हुए यहाँ आगे से सोगड़ा कॉलेज के लिए टर्निंग होइएगा, मैं कॉलेज भी दिखाऊँगा। यहाँ पर भी देखिए कि पियर के लिए 6 पियर बनाया गया, उसके बाद इसको तोड़ करके फिर छड़ को तो चौड़ा किया जाएगा, मतलब छड़ इधर उधर फैलाया जाएगा, फिर ऊपर ढला जाएगा, फिर आगे जैसे पियर खड़ा है तो उसी तरीके से यहाँ पे भी खड़ा किया जाएगा। देखिए एक एक पियर खड़ा करने के लिए कितनी पाइल की जाती है, देखिए किस तरीके से 6 पाइल करके उसे पाइल को तोड़ा गया,
फिर तोड़ करके उसको जो है कि ये सरिया यहाँ बनाया जा रहा है, उसके बाद ये बेस बनेगा, बेस के बाद जो आगे पियर का सरिया जो देख रहे हैं उस तरीके से टाइट करके कर फिर सरिया खड़ा करके पियर कैप बनेगा, फिर ढलाई होगा जो कि 25 फीट के लगपेट में रहेगा। और फिर आगे भी मैं बताऊँ और कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट इसका देता रहूँगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट में जो वर्क है अभी वो यहीं पर है, हालांकि काम हो रहा है, पहले से काफ़ी स्पीड है क्योंकि अभी एक ही महीना पहले मैं इसका अपडेट किया था तो पाइल हो ही रहा था, और पाइल कर करके जबकि पियर बांधा जा मतलब सरिया बांधा जा रहा, तो समझिए कि काम बहुत स्पीड है, पहले के बनिस्बत 10 महीना का टारगेट लिया गया है। तो इस तरीके से जो है कि ये सामने चले जाइएगा तो चोरा बगीचा चले जाइएगा, और इस साइड जो है कि सोगरा कॉलेज, ये जो सामने वाइट वाइट देख रहे हैं सोगरा कॉलेज है, और फिर आप मज़ार पे भी जा सकते हैं बिहार शरीफ के। और इस तरीके से जो काम है वहीं तक चल रहा है, मतलब सोगरा कॉलेज के पास, और फिर कहीं पे यहीं पे 100-200 मीटर के अंदर में डाउन होगा। और अभी भी पुल वगैरह पॉल वगैरह साइड किया जा रहा है जो कि आप देख रहे हैं केबलिंग वगैरह के लिए, तो कभी होगा जैसे जैसे काम होता रहेगा अपडेट देता रहूँगा। मैं कॉस्ट बता दूँ फिर से कि लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि 1.5 किलोमीटर के लेंथ है इसकी, और 25 फीट के लगभग में चौड़ाई रहेगी, ऐसे 8 पॉइंट कुछ मीटर है, तो 25 फीट 26 फीट अप्रोक्स कह लीजिए आप। और ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि आप एक बार चढ़ गए तो चढ़ गए, चढ़ने के लिए एक सोगरा कॉलेज या उतरने के लिए सोगरा कॉलेज होगा या फिर बस स्टैंड साइड होगा, बस यही इसका एक छोटा सा डिटेल था। 10 महीने के अंदर में इसे तैयार करना है, लेकिन अगर 2 साल में भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो चलिए मैं किसी और पार्ट में आपसे मिलूंगा किसी और नए अपडेट के साथ, तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।